कर दे इसका, देख क्या रहा है तू, चल गाड़ी क्यों पकड़ा तू, बुला ले बुला ले कर दे चलान। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 7 जून के बाद दोबारा बढ़ा दिया गया, अब 14 जून तक बढ़ा दिया गया है इसको। और वहीं अगर हम छूट की बात करें तो दुकानों के लिए जो समय सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया है, 9 से 6 कर दी गई है। और इस समय ऑड और इवन की पॉलिसी को भी अपनाने के लिए कहा गया है दुकानदारों को। और इस समय हम अभी मौजूद है गुरुग्राम के सदर बाजार में। मैं आपको यहाँ के हालात दिखाना चाहूँगी कि ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को लेफ्ट हैंड साइड वाली दुकानें खुली रहनी चाहिए, बट ऐसे में अगर आपकी आपकी नज़रें जहाँ तक भी जाएंगे आपको देखने को मिलेगा कि राइट हैंड साइड की शॉप्स भी इस समय खुली हुई है। और ऐसे में मैं जानना चाहूँगी कि नियमों का ऐसे उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। सर, आपकी शॉप राइट हैंड साइड में है, कायदे से वेडनेसडे को खुलनी चाहिए, तो अभी इस समय क्यों खुली हुई है आपने दुकानें? बंद है हमारी दुकान, शटर खुला हुआ मतलब कि शॉप खुली हुई है सर? नहीं, शॉप नहीं खुली हुई है, हम घर सामान रख के जा रहे हैं हम। चलिए सर, आप सामान रख के जाइए, आगे की तो दुकानें खुली हुई है, उनसे बात कर लेते हैं। अब ऐसे में आप साफ देख सकते हैं कि लोगों का क्या क्या बहाने हैं इस समय यहाँ पे उनके पास कि क्यों दुकानें खोली गई हैं और क्यों वो नियम का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आज आपने यहाँ पे दुकानें क्यों खोली हुई है? कायदे से देखा जाए तो आपकी दुकान बंद होनी चाहिए आज, आपकी दुकान क्यों खुली हुई है सर? मैम डेली वो भी खुल रही है, मतलब सामने वाली भी खुल रही है? सामने वाली भी डेली खुल रही है, तो इस वजह से आपने भी खोल दिया? मैम वो भी नहीं मान रहे तो आप बताओ हम भी कैसे मान जाए, हम भी तो अपना। सर, अगर सख्ती बढ़ा दी जाए और फिर से शटर्स डाउन रहे आपके दुकानों के महीनों महीनों तक तो कैसा लगेगा? सर सभी का होना चाहिए, सभी का होना चाहिए ना। तो आप देख लो ना, कोई बहस करने का मुद्दा नहीं है आपको। लॉकडाउन से पहले मैडम जी ये सरदार जी के साथ में मैडम परमानेंट दुकान खुला, लॉकडाउन में भी कोई नहीं आया, क्या वो स्पेशल है क्या? लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जी, वो भी तो स्पेशल नहीं है। बाजार में ग्राहक आता है बहुत ज्यादा, अगर एक साइड की दुकानें खुलेंगी ना तो उसमें भीड़ हो जाती है ज्यादा, एक एक दुकान भर जाती है, उल्टा ग्राहक डिवाइड हो जाता है उससे। दुकानें अगर पूरी खुलेंगी तो गवर्नमेंट को फायदा है, सबके लिए फायदा है। जो आने वाला ग्राहक है, एक दुकान में 20 ग्राहक घुसेंगे तो सबको करोन दिक्कत होगी, बीमारी फैल रही है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। सर, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर एक साइड की दुकानें खोल दी जाती है तो वहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, इसीलिए आप भीड़ कम करने के लिए अपनी दुकानें खोल रहे हैं नियम का उल्लंघन करते हुए? नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं सर, दुकानें खुली रहना मतलब नियम का। रोटी कहाँ से मिलेगी? जो लड़के रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, मजदूर आदमी हैं जो सर्विस कर रहे हैं हमारे पास, उनको कहाँ से दे? जो किराए पे बैठा है वो किराया, मालिक किराया नहीं छोड़ता। तो आपने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से बात करने की कोशिश करी? कोई बात नहीं करी हमने, कोई सुनाई नहीं। देखो आप भी तो ऐसे घूम रहे हो, देखो आप भी पैसे के लिए घूम रहे हो ना। सर आप हमारी बात रहने दीजिए, हम सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं। बात रहने दें सर, आप एक तो काम गलत करें, ऊपर से आप हम पे ही सुनाएं, ये भी तो जायज नहीं रहता। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आप अपने सर प्लीज कायदे से काम करिए। बाकी हमने पुलिस प्रशासन को कॉल कर ही दिया है, कोई बात नहीं है, बाकी प्रशासन को फोन कर दिया। बिल्कुल सर, हम एक दुकान के लिए नहीं बोल रहे, पूरे सदर बाजार की बात कर रहे हैं हम। अब ऐसे में यहाँ पे हमने अभी से 10 मिनट पहले पुलिस प्रशासन को फोन करके इत्तला किया था। हेलो, हाँ जी सर, जी सर आप बताएंगे, आप आपको कॉल आपने कॉल किया है सर? हाँ जी, 100 नंबर पे मैंने कॉल किया था सर। जी सर, तो आप सदर बाजार में आके हालात देख लीजिए, जो काम आपका है कायदे से वो हम कर रहे हैं, तो आप आ जाइए। सर यहाँ पे तमाम जी सर बिल्कुल, ऐसे में तमाम आरोप लग रहे हैं आप पे कि आप लोग आके यहाँ पे देख रेख नहीं कर रहे हैं। सर आप आ जाइए, सर ये बहस का मुद्दा नहीं है, आप प्लीज़ आ जाइए, आप यहाँ पे आके कार्रवाई कर लीजिए, हम लाइव हैं, लोग भी आपको देख रहे हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हम पहले भी आए थे, हम आज दोबारा आए हैं, यहाँ पे तमाम कंप्लेंट्स मिल रही है हमें, उसी के बाद हम यहाँ पे आज लाइव आए हैं। सर 10 मिनट हो गए हैं, कितनी देर में? सर हम सदर बाजार के एंट्रेंस में ही हैं, अंदर आएंगे तो आपको मिल जाएंगे, हम रेवाड़ी स्वीट्स के पास ही हैं। जी आइए सर, जी सर,
अब जैसे कि आपने देखा पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे पास कॉल आया है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन 10 मिनट हो चुके हैं अभी तक वो आए नहीं है। अब ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, सामने ऑन लाइव आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड की शॉप्स, राइट हैंड साइड की शॉप्स खोली गई थी, मीडिया को देखने के बाद बंद ज़रूर की जा रही है। अब ऐसे में तमाम यहाँ पे देखिए आप, ऐसे में सारी दुकानें खुली हुई है, एक एक करके उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन इनके पास देने के लिए जवाब एक ही है कि अगर उस साइड की दुकानें खुली है तो हम भी अपनी दुकानें खोलेंगे। और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि वो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई देखरेख नहीं करते, उन्होंने ढील छोड़ी हुई है, इस वजह से ये लोग भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी हरकतें कितनी जायज है, हम मान सकते हैं कि दुकानदारों को अपने जो कर्मचारी हैं उनका पेट भरने के लिए, उनको पैसे देने के लिए दुकानें खोलनी पड़ रही हैं, लेकिन एक नियम कायदे के अनुसार ही चलना चाहिए व्यापारियों को। ऐसे में अनिल विज जी ने बीते कुछ दिन पहले भी कहा था कि अगर लॉकडाउन में छूट देनी है नहीं देनी, वो लोगों पे, आम जनता पे, व्यापारियों पे, दुकानदारों पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर छूट दे दी जाती है तो ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं ऑड और इवन की पॉलिसी का। अब ऐसे में और लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्यों दुकानें खोली हुई हैं। देने के लिए किसी के पास जवाब नहीं होगा, बहस करने के लिए सब आगे आएंगे। नमस्कार सर। सर आज आपने दुकान क्यों खोली हुई है? राइट हैंड साइड की शॉप्स बंद होनी चाहिए। मैडम कल नहीं खोली थी ना, हमने इसलिए खोली है। तो कल नहीं खोली थी तो आप आज खोल देंगे? सर आपको ऑर्डर इवन की पॉलिसी के बारे में कुछ पता है? बताओ आपसे पूछने का, आप बताओ। बताइए सर। हाँ जी। ऑर्डर इवन की पॉलिसी के बारे में पता है? क्या पॉलिसी है बताइए। पूरा फॉलो कर रहे हैं मैडम, सैनिटाइजर रखा हुआ है। सर ऑर्डर इवन वो तो कोविड प्रोटोकॉल, उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है? सर सोशल मीडिया पे एक्टिव है, पुलिस आती है यहाँ पे, प्रशासन आती है यहाँ पे आपको इत्तला करने, बताने। आपको कुछ नहीं पता ऑर्डर इवन की पॉलिसी के बारे में? आपको पता है सर? ये मैडम सिर्फ सदर बाजार के लिए ऑर्डर इवन होता है, किसके लिए होता है मेरे को? सर सबके लिए ही एक रूल है। ये सदर बाजार के लिए बंद है, बाकी सारा गुड़गांव खुला हुआ है, ऐसा क्यों है? कहाँ कहाँ खुला हुआ है सर? हम वहाँ पे रोड सारा खुला हुआ है, आप रेलवे रोड जाइए सारा खुला हुआ है, जयकमपुरा पार करके कहीं भी जाइए सारा खुला हुआ है, मॉल्स वगैरह सब। ऐसे में सबने खोल रखा है, इसीलिए आप भी खोलेंगे, उल्लंघन करेंगे। उल्लंघन क्यों कर रहे हैं जी? रोटी रोजी का सवाल है, क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे बताइए ना मेरे को। घर पे तो आपको जो तमाम दिक्कतें आ रही है वो लॉकडाउन के दौरान भी तो आई थी, जब सारी दुकानें बंद थी, सारा बाजार ही बंद था। जब सारी ही बंद थी। अच्छा, तो अब कुछ दुकानें खुल रही हैं तो आपकी जिद है, आपकी हट है कि आप भी खोलेंगे? जिद नहीं है, भूख लग रही है, कहाँ जाएंगे, किससे रोटी मांगेंगे बताइए ना। अब तो गुरुद्वारे में भी लंगर नहीं चलता, पहले हर रोज गुरुद्वारे में लंगर चलता था, अब नहीं है। तो आपको मजबूरन खोलनी पड़ रही है दुकानें। तो सर अगर एक दिन बंद रहेगी आपकी दुकान तो आपको भारी नुकसान उठाना। एक दिन नहीं है, हफ्ते में 3 दिन बंद होगी, 4 दिन बंद होगी, संडे ही बंद है, 4 दिन बंद होगी। बिल्कुल सर, 4 दिन बंद रही तो बाकी का तो समय है ना आपके पास कमाने के, बाकी में 3 दिन में सब कुछ हो जाएगा, या तो पूरा लॉकडाउन। जहाँ आपके पास कुछ नहीं आ रहा था, आप कुछ आ रहा है तो उसमें भी आपको दिक्कत है कि हमें और चाहिए। मैडम सदर बाजार ही बंद क्यों है, सारा आउटर खुला हुआ है, सबके लिए नियम एक ही है। तो सदर बाजार में कानून क्यों लागू हो रहे हैं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। चलिए सर वो पुलिस प्रशासन से पूछेगा, हमने कॉल कर दिया है, वो ही आपको जवाब देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया रोजी रोटी का सवाल है इन लोगों की, इनका यही कहना है अगर इन लोगों ने दुकानें खोली है तो हम भी हट में आके अपनी दुकानें खोलेंगे। ये हालात है गुरुग्राम के। अभी हाल ही में केसेस कम होने लगे थे, लेकिन उसके बाद अब आप दोबारा देख सकते हैं इस तरीके की जब लापरवाही बढ़ती जाती है और हमारी पुलिस प्रशासन नाकाम नजर आती है तो ऐसे ही उल्लंघन होते हुए नजर आते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि किस कायदे से यहाँ पे दुकानें खोली जानी चाहिए। राइट साइड शॉप्स मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को खोली जानी चाहिए। अब ऐसे में लेफ्ट हैंड साइड की जो शॉप्स है वो ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे खोली जानी चाहिए। और ऐसे में आज ट्यूजडे है तो यहाँ की तमाम दुकानें खोली जानी चाहिए कायदे से, लेकिन राइट हैंड साइड की दुकानें भी खोली गई हैं। मीडिया को देखने के बाद आपके सामने है कि यहाँ पे ये लोग शटर गिराते हुए नजर जरूर आएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ से मीडिया चली जाती है यहाँ पे दुकानें दोबारा खुल जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा लैग कर रहा है हमारा प्रशासन। बिल्कुल सर बताइए, आप एक बात बताओ, आपकी राइट हैंड साइड शॉप है, लेफ्ट हैंड साइड है? मेरी सामने। बताइए सर, ये सदर बाजार के लिए नियम है या कहीं और भी है?
क्योंकि ऐसे तो कहीं नहीं है, सभी जगह नहीं है ना। सदर बाजार में आते हो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ सदर बाजार में आती हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर, जो भी आता है ना सदर बाजार में आता है, सदर बाजार में ही दिक्कत है। सदर बाजार सबसे पुराना बाजार है, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ यही पे होती है। नहीं आप परेशान हो सर, एक तो आप उल्लंघन कर रहे हैं, हमारी मजबूरी नहीं सर। आप लोग बात कर सकते हैं प्रशासन से, आप लोग विधायक प्रशासन कोई बात करने नहीं आता है मैडम, नहीं आते हैं, सिर्फ ऑर्डर आते हैं कि आप क्लोज करिए। आउटर क्या, आप मार्केट देख के आइए, अनाज मंडी देख के आइए, गुरुद्वारा रोड सारी ओपन हुई थी। आपको हम दिख जाएंगे, यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है। सिर्फ सदर बाजार से प्रॉब्लम होती है, कोरोना आता है सिर्फ सदर बाजार के अंदर आता है, इसके अलावा कहीं नहीं आता है कोरोना। आपको हम मिल जाएंगे, प्लीज कृपया करके आ जाइए। नहीं हमारा दूसरा आपसे सवाल है सर, एक सेकंड, इससे पहले आप आगे आइए सर। सर आपने क्या कहा कि प्रशासन यहाँ पे देख रेख करने नहीं आते हैं, सिर्फ क्लोजिंग कराने आते हैं, क्लोज करा के चले जाते हैं। वैसे कोई सारी दुकानें ओपन होती है, कोई कुछ नहीं कहता है। देख के आइए आउटर, आप गुरुद्वारा रोड जाइए, अनाज मंडी जाइए, सारा टोटली दोनों तरफ ओपन है मैम। सिर्फ सदर बाजार से प्रॉब्लम है, कोरोना आता है सिर्फ सदर बाजार के अंदर आता है। तो यही है, हमारे भी यही सवाल है, ओनली फॉर सदर बाजार है क्या, और कोई नहीं है? चलिए ऐसे में नियम सर हर जगह जाया जाता है हमारे द्वारा, सदर बाजार की देखते है, आपके कहने पर हम वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ के भी हालात दिखाएंगे। हमारे पास है सर, क्या नाम है चैनल? अजीत नागर चैनल का नाम, चैनल का दावा है। हाँ पढ़ के जरूर बता सकते हैं आप सर, ऐसे में अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कौन सा। ठीक है सर, इस समय कहा है, वहीं व्यापारियों की बात करें, दुकानदारों की बात करें तो उनके बीच में काफी आक्रोश है। जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनको लेकर इन लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ सदर बाजार में ही कोरोना देखने को मिलता है, बाकी कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता। और जरूर हम गुरुग्राम के हर उस बाजार में जाएंगे, हर उस जगह जाएंगे जहां पे उल्लंघन किया जा रहा है। हमने आपको पहले भी दिखाया कि किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान भी ढील बढ़ती थी प्रशासन द्वारा, वहीं काफी जगह पर दुकानें खोल कार्रवाई होगी, वो भी हम आपको ऑन लाइव दिखाएंगे। अब ऐसे में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन को कॉल किया गया था, आपके सामने आती हुई दिख रही है गुरुग्राम पुलिस। अब देखा जाएगा कि आइए सर, देखिए सर जायजा कीजिए। अब आपके सामने लाइव कार्रवाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुंच चुकी है। अब जो तमाम व्यापारी खड़े होके बात कर रहे थे, बताना चाह रहे थे कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, वो अब इधर से उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ बहसबाजी, बयानबाजी मीडिया के लिए रह जाती है, पुलिस प्रशासन के आगे आके कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता। ये कार्रवाई हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इतना बड़ा सदर बाजार है, सिर्फ दो पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, जबकि देखिए सर इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो उल्लंघन कर रहे हैं। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? पता भाई इनको अभी क्या कार्रवाई होगी मैडम, अभी साहब आ जाते हैं, अभी इनकी कार्रवाई अपना कह देते हैं, हम फोटो ले लेते हैं इनको। सर तमाम सारी फोटोज लीजिएगा, आपका कैमरा भर जाएगा, आपको पता चलेगा कि क्या हालात है। मैं चाहूंगी कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस समय हम सदर बाजार में मौजूद है जहाँ पे लाइव कार्रवाई चल रही है गुरुग्राम पुलिस की, और ये आए दिन हालात है, उसके बावजूद भी ऐसे ही यहाँ पे ऑड और इवन पॉलिसी का उल्लंघन किया जाता है। मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगा कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो ऐसे में यहाँ पे आप इस समय देख सकते हैं वाद विवाद भी हो रहा है पुलिस प्रशासन के साथ, लोगों का यहाँ पे तमाम राइट हैंड साइड की दुकानें बंद करवाई जा रही है काफी दिनों से। लगे हुए हो तो परेशानी है, सब खमा रहे हैं, कुछ दिक्कत है, सबको इकट्ठा कर रहे हो आप, क्या दिक्कत हो? सर हम किसी को इकट्ठा नहीं कर रहे, बाजार की तीन लाइनों के पीछे। सर कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, कुछ नियम भी तो होते हैं, तो सर एक तो आप उल्लंघन कर रहे हैं ऑर्ड एंड इवन का, उसके बावजूद भी आप हमें कह रहे हैं। हमारे पास जो लेबर लग रही है सब चीज लग रही है, कहाँ से पैसे देंगे? बिल्कुल जायज चीज है आपकी,
पर दो रोटी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे आप मुझे ये बता सर, अगर मेरा एक ही सवाल रहता है सबसे, आप मुझे ये बता दीजिए, जब पूरे तरीके से आपकी दुकानें बंद रही थी लॉकडाउन के दौरान, आप चाहते हैं दोबारा से वही हो? देते वो बेचारे कौन पैसे दे रहा था उन्हें, बताओ बताओ कैसे करेंगे ये बताओ ना आप, हर चीज में ये वाली कर दो। देखिए यहाँ पे गाली दे रहा है इसको, चलान कर दे इसका, देख क्या रहा है तू, चल गाली क्यों पकड़ रहा तू, बुला ले कर दे चलान। सर क्या हुआ है यहाँ पे अब, सर क्या हुआ यहाँ, गालियाँ बकरा खड़ा हो गया दुकान में, चलान करे उसको, बंद करवा दे सबके सामने बकी तूने। हेलो सर, ऐसे में ये शोभा नहीं देता पुलिस प्रशासन को किसी को गाली देना। आपसे रिक्वेस्ट है, मूड खराब कर दो, बाजार को खराब कर दो, आप बाजार को खराब कर दो, और क्या आप कर दो बाजार को। सर मतलब आपके नियम उल्लंघन ठीक है, आप इस चीज को अगर आप इस चीज को कवर कर रहे हैं ना, तो सदर बाजार छोड़ के और आउटर की मार्केट भी सर बिल्कुल आज पिछले आप एक सेकंड रुकिए, थोड़ा दूर होके बात करिए, जिसको बात करनी है आज सबकी सुनी जाएगी, थोड़ा दूर दूर होके बात करिए। आप लोग पिछले एक हफ्ते से परेशान कर रहे हैं बाजार वालों को, अपनी मीडिया दिखा के, अपनी रिपोर्ट दिखा के कि बाजार खुल रहा है, बाजार खुल रहा है। आपने आपने कोई बाजार की आपने कोई और बाजार की मार्केट आउटर की मार्केट कवर करी? खानसा मार्केट, खानसा मंडी 100% मार्केट खुली हुई। सर आप चैनल खोल के देखिए, मैं आप में से किसी को जवाब दे ही नहीं कर सकती। आपकी 100% मार्केट खुली हुई है, आपने एक भी मार्केट कवर नहीं करी। आप लोग केवल मार्केट के पीछे सदर बाजार। सर आप हमें हमारा काम ना बताइए, आप लोग भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ये केवल आप अपनी TRP के लिए कर रहे हो खाली, ये आप लोगों की TRP के लिए, ये आपको बाजार से कोई लेना देना नहीं है। सर बिल्कुल है, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, इल्जाम आपके ऊपर भी आएगा। कोरोना के बेसिस पे कुछ नहीं कर रहे, अगर कोरोना के बेसिस पे कर रहे होते तो और भी तो मार्केट कवर करें। सर बिल्कुल सारी मार्केटें कवर करते हैं अपने पास, अपने आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, अपना नंबर दे के उसको मीडिया पे हाईलाइट करो ना। गुरुद्वार रोड पे पैसे वालों की मार्केट है, इसलिए खुलेगी, घर का प्राइस खुलेगा। गुरुग्राम के सदर बाजार में मॉल है, सदर बाजार क्यों नहीं खुले, तो दुकानें तो खुली हुई है। अरे सदर बाजार छोटे व्यापारी है, सदर बाजार का छोटे व्यापारी है। चलिए चलिए बिल्कुल ठीक है, सदर बाजार के छोटे व्यापारी। तो इसके लिए किसी अधिकारी से बात कीजिए ना, हमारे ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है। सवालों बताना चाहते हैं, बाजार में एक महीने की स्टाफ की तनख्वाह कौन देगा, हमारे कोई कोई इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल हम मान रहे हैं, एक सेकंड, हम बिल्कुल मान रहे हैं आपकी दिक्कतें, हम बिल्कुल मान रहे हैं। आप लोगों के आने से ना बेफिजूल में सब डिस्टर्ब हो गया बिल्कुल। अब आके हमारे यहाँ सिर्फ दुकानें नहीं खुली हुई थी, आपस में सामने आमने सामने खुली, ग्राहक भी नहीं था, पूरा सोशल डिस्टेंस। क्यों खुली थी आमने सामने, क्यों खुली थी, क्यों नहीं खुली सर? कोई अगर अगर हरियाणा सरकार कोई नियम लागू करती है तो नहीं माना। मैडम पूरा NCR खुल रहा है, एक एक करके बात कीजिएगा प्लीज, यहाँ पे एक ही लड़की बात कर रही है, सारे चढ़ के ना बोलिए, एक एक करके बात करिए। सारा सारा गुड़गांव खुला हुआ है, मॉल खुले हुए हैं, तो दुकानदार बिल्कुल सर हम वो भी दिखाएंगे, वो भी दिखा रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। मैडम हम लोग छोटे दुकानदार हैं, हमारा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि छोटे मैडम आप क्योंकि सब आराम। सर आप अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, आप कोई बात नहीं मैडम, छोटे दुकानदार हैं, सबके खर्चे हैं। हम इस समय आपको सभी लोग देख रहे हैं, सरकार गुरुग्राम निवासी देख रहे हैं, आप मतलब आप लोग प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर सकते, थोड़ा दूर दूर होके बात कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा दूर हो जाइए, थोड़ा दूर पे दूर हो जाइए, दूर हो जाइए यहाँ पे। आजकल 50 अगर अब भी बाजार नहीं खुलेगा तो मैडम कैसे बिहेव करेंगे सर? तो चलिए आप उल्लंघन करते रहिए, आप लोग ऐसे ही झुंड बनाते रहिए, आपके झुंड बनाने से कोरोना नहीं दिखेगा, पर हम लोग आ गए तो यहाँ पे दिखेगा। सर ये हालात है सर यहाँ पे, अब आप यहाँ पे मैं आपको आगे लेके जाना चाहूंगी, आपको दिखाना चाहूंगी कि जो नियमों का उल्लंघन हो रहा है इस समय, उसके बावजूद यहाँ के व्यापारियों का यही कहना है कि हम लोग यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, और जहाँ पे नियमों का उल्लंघन नहीं होता वहाँ पे मीडिया जाती है तो उनकी आवाज़ दबाई जाती है। यही हालात है गुरुग्राम के,
हमने पहले भी जब लोगों की आवाज उठाई थी तभी भी हमारा एक पेज बंद कर दिया गया था। चलिए अब यहाँ के हालात दिखाएं आपको। तो यहाँ पे भी ऑड और इवन के नाम पर यहाँ पे दुकानें इस समय बंद है, लेकिन ये मीडिया के आने के बाद बंद हुई है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए बुलाया जाता है। इतने बड़े सदर बाजार में केवल 2 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे जो दुकानें बंद करवाएंगे। आखिर इन पे कार्रवाई होगी तभी ऐसे लोगों को समझ में आएगा जो बढ़ चढ़ के आगे आके मीडिया पे बोल रहे हैं, मीडिया के लिए कंप्लेंट्स कर रहे हैं। हम मान सकते हैं सबकी मजबूरी है इस समय कि दुकानें खोली जानी चाहिए। इसके लिए हरियाणा सरकार निर्णय लेगी, हम निर्णय लेने वाले कोई नहीं होते। हम सिर्फ सच्चाई दिखा सकते हैं, वो हमने आपको आज दिखाई गुरुग्राम के सदर बाजार की। और ऐसी ही तमाम न्यूज़ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपसे निवेदन रहेगा इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस समय हम सदर बाजार में मौजूद है, जहाँ पे आपने ऑनलाइन देखा कि व्यापारियों का क्या बर्ताव रहा था। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन को बुलाने के बाद केवल 2 पुलिसकर्मी आते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं देखने को मिलेगा। वो यहाँ पे दुकानें बंद करवा के चले जाते हैं, उसके 10 से 15 मिनट बाद आपको दुकानें दोबारा खुली हुई मिलेंगी। मैं चाहूँगी ये लाइव को इतना ज़्यादा शेयर किया जाए कि गृह मंत्री मुख्यमंत्री तक भी पहुँचे कि ये है गुरुग्राम के हालात, जहाँ पे पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है, उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। और ये प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं सदर बाजार में। अभी भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ की दुकानें खुली हुई हैं, आपके सामने हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दुकानें खोली जा रही है दोनों तरफ की। कायदे से आज लेफ्ट हैंड साइड की दुकान खोली जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड की भी दुकानें खुली हुई हैं। तो यही सच्चाई दिखाने हम आज पहुँचे थे गुरुग्राम के सदर बाजार। और यहाँ के हालात किसी से भी नहीं छुपे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से व्यापारियों के बीच में आक्रोश था। यहाँ पे नियम उल्लंघन कर सकते हैं व्यापारी, लेकिन उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाई जाए तो ये बर्ताव करते हैं वो मीडिया के साथ।